हाँ, अपना नाम बताइए और किस तरह से बोलिए आप। मैं मोहम्मद राशिद जी, जो हमारे कैंडिडेट है गुलभाव अहमद जी, उनके विषय में थोड़ा हमें बताइए, क्या खूबियां और क्या अच्छे काम किए हैं। ये बहुत ईमानदार कैंडिडेट हैं जी, और गांव में चर्चा है, आम चर्चा है कि जो गांव में प्रधान बनेंगे तो इंशाल्लाह गांव में विकास करेंगे, काफी विकास करेंगे, सबको इनसे तमन्ना है और विश्वास है लोगों को। पहले उन्होंने ऐसा क्या काम किया, पहले कोई काम बताइए। पहले काम उनको एक, पहले तो उन्होंने अपने भाई के साथ प्रधान में काम कराया, अशफाक प्रधान थे, उनके साथ मिलकर काम कराया, हाज मुसफर प्रधान बने, उनके साथ मिलकर काम कराया, और फिर For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. Gram Pradhan, apna hoga, pura hoga, har sapna hoga. Mere aapse vaade, sankalp patr, aaj ke khas mehman ka sankalp patr main aapko padhke bata deta hu. Bachchon ki behtar padhai ke liye achhi vyavastha ki jayegi. Gaon mein safai vyavastha achhi ki jayegi. गांव में सस्ते गल्ले की दुकान की राशन की पर्ची घर घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन, शादी में मिलने वाले अनुदान व सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलवाया जाएगा। तहसील व ब्लॉक स्तर में होने वाले कामों, खसरा खतौनी, आया प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि के लिए गाँव में ही व्यवस्था की जाएगी। गरीब मजदूरों का विभाग में पंजीकरण कराया कर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। गरीब लोगों के लिए सरकारी मकान बनवाए जाएंगे। बंद किए गए गाँव में मीट गोश्त आपूर्ति के लिए सरकारी व प्रशासन की परमिशन ली जाएगी। बिजली व्यवस्था बेहतर की जाएगी। सरकारी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी खत्म की जाएगी। अनुसूचित जाति व OBC वर्ग के मिलने वाली सरकार विशेष योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा दिलवाया जाएगा। गांव में सभी तालाबों की सफाई हर साल की जाएगी। नौजवानों के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा है, ये सब संकल्प पत्र है आज के खास मेहमान जिनका नाम है गुलफाम अहमद जी। आइए जानते हैं क्या संकल्प पत्र क्या सच में वास्तविकता में अगर जनता चुनती है तो क्या इन सब वादों पे काम होगा या नहीं होगा। आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से। देखिए सर, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना परिचय फेस वार्ता के माध्यम से पूरी दुनिया को बताएं। मैं गुलफाम अहमद, ग्राम जर्नी बुजुर्ग का रहने वाला हूं, और मेरी यही तमन्ना है कि मैं अपने गांव में अच्छा काम करूं। पीछे अब से हमारे जो परिवार में से पहले भी दो प्रधान बन चुके हैं, जिला पंचायत में तो हम लोगों ने काफ़ी काम किया। इधर कर ले, काफ़ी क्या काम किया हमने। हाँ, अभी बताता हूँ। हमारे यहाँ ये जो तालाब है, गांव के अंदर कोई भी आने जाने के रास्ता नहीं था। आज वो सब प्रधान बने जो मेरे भतीजे लगते हैं। हम सबने मिलकर उसमें तालाब में सड़क का दी, जब कोई पैसा भी नहीं मिलता था जाते हैं गाँव के सहयोग से सारे काम कर एक हाथी बराबर दुर्गा काम जी। फिर उसके बाद में हमारे बड़े भाई बने आज जी, वो फिर हमने मिलकर उन काम करा, फिर दूसरे तालाब में कुछ रखा दिया लेकिन वो कहीं आने जाने में कोई रास्ता नहीं कर पाते। स्कूल प्राइमरी पाठशाला कोई नहीं थी इस गाँव के अंदर, प्राइवेट एक रोहता कमरा था, उसमें वो जानवर बांधा करते थे जो बच्चे पढ़े थे, पहले हम भी पढ़े उसमें, और हमने पहले गोबर हटाया करते थे। जब हम प्रधान बने तो हमने सबसे पहले प्राइमरी पाठशाला हमने बनाई, फिर हमने फिर दूसरा प्रधान उसी में, फिर हमने जूनियर हाई स्कूल लिया। तो हमने सारे काम करे, गांव में कोई रास्ता निकलने का नहीं था, पर हमने बैठी ये गांव बता देगा सारा। एक माँ बनवाया स्कूल, भगवान गढ़ी समझ, पूरी भगवान गढ़ी का जो वो रास्ते बनवाए हमने, स्कूल था उसी योजना में हमने माजी हमारा माजरा है। अच्छा सर, ये तो रहा भूतकाल, आपने जब जनता ने चुना था जी, आपके परिवार ने खूब काम किया, खूब डेवलपमेंट किया, लेकिन अब
हम बात करेंगे मुद्दे की। हाँ तो मुद्दे की यही अब जो है, जैसे गांव ने फिर हमें दोबारा ये मौका दिया है प्रधानमंत्री, तो इस बार आपका क्या मैनोफेक्स? हाँ मेरा मैनोफेक्स है कि आपने तालाब देखा होगा, कैसे गाने का कोई रास्ता नहीं है, सबसे पहले तालाब का नाले देख लो, नाले बिल्कुल छड़े पड़े हैं। प्रधान कोई भी सरकार तलक कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जो नाले में हाथ तक कोई फावड़ा लगा हो या कोई सफाई का, कोई 5 सालों कुछ नहीं है। तो हमारी यही है कि इसको हम करके और इसमें मेहनत करके तालाब में और नाले में इसकी सफाई करेंगे। आप सफाई को, सफाई की बिल्कुल सबसे पहले सफाई को जरूरी भी है। हाँ कोई भी तिनका इसमें में, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने सारा हिंदुस्तान काफी काफी देखा हूँ, विदेशों में भी जी। हाँ मेरे, हाँ मैंने देखा कि चंडीगढ़ में रोजाना सड़कें नहीं बनती, चंडीगढ़ के अंदर साफ सुथरा शहर है उसमें रोजाना सड़कें नहीं बनती, उसकी सफाई की तो नहीं बन सकती। वो सड़कें हमने बना दी और उनको बदबू इतने गंद मछलियों को फायदा जाए उन खड़ंजों का या उसका, तो यही है मेरी। तो आप भी मतलब यही चाहते हैं कि जो सड़कें चंडीगढ़ चंडीगढ़ जैसी वो ही गांव में, वो ही मेरा सपना बड़ी जाने। हाँ सपना बड़ी जाने की सड़कें चंडीगढ़ से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, यही मेरा मजबूत हो टिकाऊ। मैं अपने युवाओं को यही स्थिति दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैं काम करूँ और मेरे जो युवा बच्चे हैं वो इसे देखें और फिर आके इसी पर मैं कुछ रणनीति बनाएंगे शिक्षा। शिक्षा जो है ना, शिक्षा के अंदर जो है ना और भी हम सोच रहे हैं कि इसे जो जैसे जूनियर हाई स्कूल है वहाँ, तो हम सोच रहे हैं इसके हमारा ये इंटर तक हो जाए, इंटर तक हमारे यही है जो हमारी बच्चियाँ हैं। ये भी आपके आपको चुनती है तो आप शिक्षा पे भी ज़्यादा शिक्षा पर सफाई। अच्छा सर चिकित्सा, चिकित्सा के बारे में कोई खास है? ये तो जो ना हम तो जो मेन मेन चीज़ें हैं ना ये बताइए हमने आपको, तो असली चीज़ है मेन सफाई, मुख्य सफाई, मुख्य सफाई रोडों की, तालाबों की, स्वास्थ्य की, ये असली चीज़ होती है इसमें। जैसे स्वास्थ्य है ये इसमें हम सोचेंगे कि भाई कोई अस्पताल हमारे यहाँ बने, अगर ऊपर वाले हमें चुना और हमारे हम प्रधान बने तो हम सोच रहे हैं कि हम जो है ना अस्पताल भी बनवाएंगे, जिससे कि हमें बहुत दिक्कत हो, हमें बाहर जाने में। देखिए एक शख्सियत और बैठे हैं, उनके साथ बैठे हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके मित्र हैं, उनके गांव से ही है, आइए उनसे भी पूछते हैं। पेशे से वकील साहब हैं, वकील जो होते हैं कानून अच्छी तरीके से जानते हैं, आइए जानते हैं कि वकील साहब की क्या राय है गुलफाम जी के बारे में। सर नमस्कार, आपने अपना मूल्यवान समय दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छा यहाँ से गुलफाम जी ने अपने मैनोफेस्टो में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, क्या सारी बातें अगर जनता चुनती है क्या पूरी होगी? इंशाल्लाह पूरी होगी। अच्छा जनता इन्हें क्यों चुनेगी? जनता इन्हें ये चुनेगी क्योंकि बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकल रहा है, इनके भतीजे हाजी मुसब्बर प्रधान रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे, इनके बड़े भाई अशफाक अली मरहूम वो प्रधान रहे, उन्होंने एक आइडियल सेट किया है गाँव के लिए, एक आइडियल सेट किया है। पहले ना तो कोई ग्राम प्रधान के लिए योजनाएं आती थी बल्कि लाई जाती थी योजनाएं कहीं एमपी के कोटे से, एमएलए के कोटे से जी, और अब तो बहुत सारे साधन है काम कराने के लिए। जैसे अभी जो हमारे उम्मीदवार है ग्राम प्रधान दुफा महोदय ने बताया कि हमने जो है झोर से रास्ता निकाला, वो श्रमदान होता था जी, गाँव के लोगों से बुकियों में मिट्टी इकट्ठी कराई जाती थी और तब उसमें निकाला, इस गांव के चारों तरफ रिंग रोड निकाले गए, हमारा माजरा है भगवानगढ़ जी, उसमें रास्ता निकाला गया, उसके बाद वहां कोई नया रास्ता नहीं बनाया गया। एक आइडल पेश किया है और ये भी उनकी विरासत है कि आगे उसे बढ़ाएगी। मतलब एक अनुभवी परिवार से राजनीति की अच्छा अनुभव है जी जी, और पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि विदेशों में भी रहे हैं, असल में ठेकेदार रहे हैं। तो जो सड़कें इनके दिमाग में है कि वो सड़कें चंडीगढ़ सड़कें अब गांव में भी उससे अच्छी सड़कें हो, करने का जज्बा होती है। अच्छा गांव के लोगों का समर्थन है अमूल परिवर्तन के लिए ना, हरी मतों से इंशाल्लाह ये जीत करेंगे समाज, गांव के हर वर्ग अलग अलग, तो जनता तय करेगी जी। 2 मई को पता चले तो इंशाल्लाह। अच्छा फेस वार्ता के माध्यम से क्या आपने बड़ा जानी के गांव वासियों से संदेश देना चाहिए? चाहूँगा कि मैं ये सभी को एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि मुझे वोट दे के आदमी पछताएगा। अच्छा मुझे वोट दे के पछताएगा जी, ये मैं वादा करता हूँ, क्योंकि जो भी इनके वो सपने हैं जैसे राशन, जैसे राशन की दुकान है हमारे यहाँ, माँ वो तो माँ प्रधान के माँ बटे हैं, माँ लेडीज़ है हमारी, वो मठियाई की तरह भरते हैं उन्हें माँ ले जाकर,
वहाँ अमेरिका में तो रूस में राशन मिल रहा। अच्छा। तो ये एक बेहरमत ही है लेडीज़ को। अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो मैं सबसे पहले खत्म कर दूँगा कि राशन 3 दिन बाटे हैं, वो भी गलत है, तो फिर 20 दिन बाट लेते हैं। जनता छुट्टी है तो आप सारी समस्या खत्म करेंगे जो गाँव में है। जी जी, सारी खत्म। अगर एक छोटी सी आपसे गुजारिश करूँ, जब जनता आपको इतना प्यार करती है और आपकी बात मानती है, 26 तारीख को जिस दिन वोटिंग होगी, क्या उस दिन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? वोट जब डालने जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि बीमारी भयंकर रूप ले रही करोड़ों, तो उस दिन के लिए कुछ समझेंगे? मैं सबसे यही समझ लेता हूँ, इसका पालन करें आदमी, जो हमारे जो गवर्नमेंट के से तरफ से आया है, जो मजदूरी रह के बने और मास्क लगा के जाए, और बिना मास्क के कोई बिना वोट करें। तो आपने भी संदेश दिया? हाँ ना, मैंने सभी को संदेश, आपकी जिम्मेदारी, हाँ आपके चैनल के माध्यम से वोट करें कि सभी अपना मास्क लगा के जाए और अपने जरूर। मैं हर चीज़ों पर काम होगी, लेकिन मुख्य एजेंडा क्या है कि गाँव में जब भी लोग आए तो चंडीगढ़ की सड़कों को भूल जाए। क्यों जी? यही कमी तो गांव में लोग आए तो चंडीगढ़ की सड़कों में भूल जाए। ठेकेदार भी है और घर से इनको नॉलेज भी है, अनुभव भी रहा है राजनीति का, परिवार में भी रहे। अब ये जनता का फैसला है, जनता तय करेगी कि 26 तारीख को जब वोट डालना चाहेगी, जनता किसे चुनती है, क्योंकि इनके अलावा और भी विकल्प है। ये जनता का फैसला है। क्यों जी? जनता पर छोड़ते हैं, 2 मई को पता चलेगा क्या गुलफाम जी बड़ी जानी से विजयी होते हैं या नहीं होते, जनता के ऊपर छोड़ते।